गाइस क्या आपको पता है स्टिफलेग रोमानियन डेडलिफ्ट आरडीएल्स इज द वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट टू डेवलप योर हैम्स। पर गाइस बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है इसके पोस्चर को लेके, हाउ टू परफॉर्म दिस वर्कआउट, कितना डीप जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स जो बेंच पे चढ़ के दे विल गो लाइक मोर डीपर, और कुछ थोड़े लोग होते हैं जो हाफ ही डीप जा पाते हैं। सो इज इट इफेक्टिव इफ यू गो हाफ, ये डीप ज्यादा चाहिए, या हाउ टू अवॉइड योर लोअर बैक वाइल परफॉर्मिंग दिस वर्कआउट। सो गाइस इसी बात पे एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा सही पोस्चर क्या होना चाहिए, आप ये वर्कआउट करने से पहले कौन से टर्म्स में आपको मास्टरी करना है, आप कौन से, आप कैसे अपना फ्लेक्सीबिलिटी चेक कर सकते हैं पहले। सो बिफोर डूइंग दिस वर्कआउट, वॉट आर द टर्म्स यू हैव टू मास्टर रिगार्डिंग योर फ्लेक्सीबिलिटी, मोबिलिटी एंड परफॉर्मिंग द वर्कआउट इन ए प्रॉपर फॉर्म by avoiding your lower back and involving your hamstring. Welcome to our channel, this is Sanjeev Kaliwala. So without any bias, let's do the video. So workout guys, जैसे कि मैंने आपको बताया stiff leg deadlifts, स्टिफ लेग आरडीएल्स, यहाँ पे अपन डंबल से परफॉर्म कर रहे हैं, यू कैन डू विद बारबल ऑल्सो, इट्स नॉट एन इश्यू। ये वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन चीजों पे ध्यान रखना है। यू हैव टू फर्स्ट चेक योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर हैमस्ट्रिंग्स, आई विल शो हाउ टू चेक योर फ्लेक्सिबिलिटी। फर्स्ट हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी चेक करिए, देन यू हैव टू प्रैक्टिस द हिप हिंज मूवमेंट्स। हिप हिंज पे मैंने एक वीडियो बनाया, आई विल शेयर द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक आउट द वीडियो एंड सी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्कआउट यू हैव टू सॉफ्ट नीज, देन स्टॉप स्टार्ट द मोमेंट। मूवमेंट आपके हिप में आना चाहिए, ना कि आपके बेंडिंग पे। येप, यू कैन सी माई फ्रेंड हाउ इज परफॉर्मिंग, इज पुशिंग इज हिप बैक एंड फ्रंट। सो इसमें डीप कितना चाहिए गाइस, द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर हैमस्ट्रिंग्स। सो कुछ लोगों का हैम्स थोड़ा टाइट होता है, दे विल गो हाफ ओनली। कुछ लोगों का ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसे कि मेरे फ्रेंड का, सी ही कैन गो मोर डीपर एंड ही कैन इवन प्लेस ए हाइट द लेग्स एंड ही कैन इवन गो मोर डीपर, क्योंकि इनका फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। इज इट इफेक्टिव? यस गाइस ऑफ कोर्स। अगर आप फ्लेक्स, आपका हैम्स टाइट है एंड इफ यू आर गोइंग इन योर कम्फर्ट जोन ओनली, जितना आप जा सकते हो उतना जाइए एंड कम बैक, डोंट फोर्स योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी, इट्स इक्वली इफेक्टिव लाइक गोइंग डीपर ऑल्सो। आफ्टर प्रैक्टिसिंग द हिप पिंच यू कैन अवॉइड योर लोअर बैक and you can involve your hams more. Guys, आपका hamstring का flexibility कैसा check करना है, इसके लिए आप अपने partner का support ले सकते हैं और you can ask your trainer to check. So इसके लिए आप एक first ground पे straight हो जाइए with two leg straight and try to raise one leg. इसमें आपका back involve नहीं होना चाहिए, थोड़ा pressure डाल के push the leg upside. Okay? अगर आपका leg without any डिस्कम्फर्ट 80-85 डिग्री रीच होगा स्टेट में विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, यू आर इन ए नॉर्मल फ्लेक्सिबिलिटी लेवल। नहीं, आप 50-60 के रेंज में आप यू आर फीलिंग टाइटनेस योर मजल, देन योर हैम्स आर टाइट, यू नीड सम फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट। सो ये आप अपने ट्रेनर से पूछ के यू कैन स्टार्ट द फ्लेक्सिबिलिटी वर्कआउट। सो अगर आपके पास कोई ट्रेनर नहीं है, पार्टनर नहीं है, हाउ कैन यू चेक वेन यू आर एलोन, आई विल शो यू दैट। इसके लिए आप इस पोजीशन में सो जाइए एंड लिफ्ट वन लेग एंड होल्ड द लेग विथ योर हैंड्स, बोथ हैंड्स स्लोली पुश द लेग। यहाँ पे भी आप देखिए आपका लेग कहाँ तक जा रहा है, 85 डिग्री विदाउट इन्वॉल्विंग योर लोअर बैक, देन यू आर गुड इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड यू कैन गो लिटिल डीपर इन योर स्टिफ लेग आरडीएल्स। सो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा टू परफॉर्म योर स्टिफ लेग आरडीएल्स इन ए सेफ फॉर्म विदाउट इन्वॉल्विंग योर लोअर बैक एंड मैक्सिमाइजिंग योर हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्वमेंट। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो गाइस प्लीज लाइक करिए, और हाँ आगे बढ़ने से पहले और एक बात, आई शेयर्ड ए लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेयर यू कैन क्लिक एंड यू कैन अवेल द ऑफर ऑफ फ्री कंसल्टेशन एंड फ्री ई बुक वर्थ ऑफ 5,000 rupees। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, यू कैन गो ऑन द लिंक एंड यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली विथ मी। सो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज। Stay natural, stay healthy, stay fit. Bye.